सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस आज की न्यूज़ की शुरुआत हम करेंगे सेट के साथ। तो गाइस सेट जब रिसेंटली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे उधर उनसे किसी बंदे ने पूछा स्काउट जो है वो सैनोक वाले मैच पे एफ के क्यों गए थे, और साथ साथ लाइव चैट पर काफ़ी ज़्यादा ये स्पैम हो रहा था कि एक्सू को सोल में ले लो, तो इस चीज़ पर भी उन्होंने काफ़ी एपिक रिप्लाई दिया था। तो दोनों क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एक्सू को सोल में ले लो, ही इज इंप्रूविंग और सोल अच्छा खेलेगी। ब्रो एक्सू अभी तक फॉर सेल आया नहीं है, उनको बेचने के लिए बैठे नहीं है। कल मैं वापस कारगर सेशन पर जाके देखूंगा, आज मैं गया था बट वहाँ पर नहीं थे प्लेयर्स फॉर सेल। कल मैं फिर से जाके देखूंगा, अगर है अक्षु कुछ अच्छा डील मिल रहा है तो खरीद लेंगे उसको। आज नहीं था, कल अगर मिलता है तो डेफिनेटली विल मेक इट हैपन, डोंट वरी। वाई स्काउट एएफके इन सैनोक मैच? आई थिंक ही बग्ड आउट, आई थिंक ही डीसीड। जो आप वो पानी वाला आप बोल रहे हो, ही डीसीड एंड गेम कुडंट बी रीस्टार्टेड बिकॉज लेट हो गया था, बट शिट हैपेंस, क्या कर सकते हैं। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि गाइस जरा क्रॉन्टन की तरफ से। तो गाइस क्रॉन्टन जब रिसेंटली लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे उधर उन्होंने बूट कैंप को लेकर जो काफ़ी सारे लीक्स दिए थे, जो कि गाइस गॉटल का एक सेकंड बूट कैंप होने वाला है, और गाइस साथ साथ उन्होंने बताया कि ये बूट कैंप जो वो इंडिया का नहीं पूरे एशिया का वो नंबर वन बनाना चाहते हैं। तो गाइस उन्होंने क्या कुछ कहा आप अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। आपको पता ही है अब बूट कैंप का काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल काम चल रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, ये जो गॉड लाइक का बूट कैंप बनाना है ना, वो जब अनाउंसमेंट हो जाएगा ना तब आप खुद देख लेना, समझ में आ जाएगा। बूट कैंप हमारा फाइनल हो चुका है, हमने बूट कैंप ले लिया है, उसमें इंटीरियर का वगैरह काम चल रहा है। मैं कोई और लीक नहीं देना चाहता बूट कैंप के ऊपर, क्योंकि इंडिया का कैंप है, तो ऑनेस्टली कहता हूँ मैं उसको एशिया का नंबर वन बूट कैंप बनाना चाहता हूँ, कि इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि गाइस जरा टीम आईएनडी की तरफ से। तो गाइस आप सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे लीक्स निकल कर आ रहे हैं जिससे कि ये लगता है हो सकता है टीम आईएनडी वो 8bit क्रिएटिव के साथ जो पार्टनरशिप कर सकती है, बट काफ़ी सारे अभी ऐसे लीक्स निकल कर आ चुके हैं जिससे शायद से कहीं ना कहीं ये कन्फर्म हो जाता है कि ये जो टीम आईएनडी है वो पीबी स्पोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप कर सकती है बीजीएमआई लाइनअप के लिए। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि गाइस जरा स्काई स्पोर्ट्स के स्टैंडिंग्स को लेकर, जो कि गाइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। जहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर है टीम 8bit, सेकंड प्लेस पर है 7sys, थर्ड प्लेस पर है रेवेनेंट, और साथ ही साथ गाइस 8bit की तरफ से हमें कमाल का डोमिनेशन देखने को मिलता है जिस चीज को गोल्डी भाई और 8bit थक भी जो है अप्रिशिएट करते हुए नजर आए थे, जो कि गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि गाइस जरा पबजी मोबाइल की तरफ से। तो गाइस पबजी मोबाइल को एशियन गेम्स में शामिल किया गया है, तो गाइस आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि एशियन गेम्स में जो है बहुत सारे ई स्पोर्ट्स गेम को शामिल किया गया है, जो कि गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें कि हमारा फेवरेट गेम पबजी मोबाइल को भी इसमें शामिल किया गया है। जो कि गाइस अभी देखने वाली बात यह होगी कि जो इंडियन टीम्स है उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, जो भी फ्यूचर में अपडेट्स होंगे वो अपने वीडियोस में आपको कवर करके बता दूंगा। सो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि गाइस जरा अमन की तरफ से। तो गाइस आप सभी को पता चल ही चुका होगा जो स्काई स्पोर्ट्स के मैचेस हो रहे हैं तो सोल की लाइनअप से वो जो है इन मैचेस को खेल रहे हैं परमिशन के साथ। तो गाइस बहुत सारे लोगों को कैसा लग रहा है कि वो जो सोल ज्वाइन कर रहे हैं, तो गाइस इसी चीज़ का क्लेरिफिकेशन देते हैं। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया कि वो जो ऑफिशियली चिमिनी स्पोर्ट्स का पार्ट है और वो जो चिमिनी स्पोर्ट्स के परमिशन से जो है स्काई स्पोर्ट्स के सिर्फ जो है टूर्नामेंट सोल की लाइनअप से खेलने वाला है। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की जो कि गाइस जरा क्रॉन्टन की तरफ से। तो गाइस आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि जो कोर्टल का लाइनअप है वेलोरेंट का, तो उसको उन्होंने डिसबैंड कर दिया है। तो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट था कि उन्होंने जो है गॉड लाइक के जो वेलोरेंट रोस्टर उसको क्यों डिसबैंड किया था। तो गाइस इसी चीज का रिप्लाई देते हो क्रॉन्टन ने अपने स्ट्रीम पर क्या कुछ कहा आप अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा क्लिप देख सकते हो। हां वेलोरेंट के ऊपर आता है, वेलोरेंट डिसबैंड क्यों करे? बेसिकली गाइस वेलोरेंट की टीम हमारी आएगी, टेंशन ना लो। तो गाइस वीएलटी ने डीएम का बाय आउट करा था। एक्चुअली मैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बाय आउट में, बट डीएम वांट्स टू जॉइन वीएलटी वेलोसिटी। वो जब वीसीसी चल रहा था तभी आया मेरे पास, बोला क्रॉन्टन नहीं हो रहा है जो भी था, तो ही सेड आई वांट टू जॉइन वेलोसिटी टॉक टू। फिर और ये बात बहुत पुरानी है गाइस, ऑलमोस्ट 3 मंथ पुरानी होगी, ये जब बीजीएमआई की टीम हमने साइन करी थी घातक वगैरह उससे भी पहले की बात। और देन मैं बोला यार कैसे, मतलब समझ रहे हो टीम पूरा बिखर गई थी, टीम जा चुका था ऑलरेडी, फिर भी मैंने 2 मंथ टीम के साथ कंटिन्यू किया। आई थॉट कि थोड़े चेंजेस करने के बाद और टीम अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन आपको पता ही है डीएम काफ़ी अच्छा प्लेयर था, ऑलमोस्ट पिलर था वैलोरेंट टीम का। और जो भी मैंने वैलोरेंट में डिसीजन लिए थे 99% डीएम के साथ ही लिए थे, डीएम एंड हैवान। और डीएम के जाने की वजह से पूरी टीम बिखर गई थी, फिर मैंने हैवान से बात करी, देन वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा वीसीसी वगैरह होने दो, थोड़ा टाइम वैलोरेंट से ब्रेक ले लेते हैं। सो गाइस आई होप मैंने आपको जितने भी सारे न्यूज़ बताए वो आपको पसंद आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर आप किसी भी तरीके का न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जाकर डायरेक्टली आप मेरे को न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं इस तरह के न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में।